आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंट प्लस पाउडर के बारे में, साथ के साथ जानेंगे इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो माउंट प्लस पाउडर होता है इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी, और देखिए इसके अंदर पाया जाता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखिए ये होता है इसका कंपोजिशन, और कंपोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी का ही एक्शन हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलता है। और अपने राइट साइड में आप अलग अलग कंपनी की दवाइयां देख सकते हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डी एक कंपनी है जो अलग अलग ब्रांड की दवाई बनाती है, उन्हीं में से ये एक दवाई है। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके उपयोग। देखिए इसका उपयोग कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है, कब्जी में किया जाता है, और स्पेशली बच्चों में। देखिए क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो अपने हिसाब से खाते हैं पीते हैं और ज़्यादातर लिक्विड फूड लेते हैं, तो इस वजह से छोटे बच्चों में कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा जब डॉक्टर के पास में ऐसे बच्चे पेरेंट्स के साथ में आते हैं तो उनकी समस्या मेन क्या होती है कि स्टूल पास नहीं हुआ होता है, कई केसेस में तो 6-6, 7-7 दिन तक ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है, जब डॉक्टर चेकअप करता है तो उसके बाद में इस दवा का पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल 3350 इस दवा का उपयोग जो है बच्चों में डॉक्टर जो है बताता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कई बार क्या होता है, जो स्टूल होता है वो अंदर ही अंदर पेट में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से स्टूल पास नहीं हो पाता और बच्चों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है, और कई बार पेट में दर्द भी देखने को मिलता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस केस में इस दवा का उपयोग किया जाता है। ये दवाई किस तरीके से काम करती है ये हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो इसका जो मेन एक्शन होता है ये क्या करती है, स्टूल को सॉफ्ट करती है पेट के अंदर, और उसका जो पैसेज है शरीर से बाहर उसे बहुत ज़्यादा सिंपल बना देती है और बहुत ज़्यादा आरामदायक बना देती है। तो इस तरीके से ये दवाई काम करती है। और देखिए क्या होता है, जब 4-5 दिन से स्टूल पास नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, तो उसको ये दवाई क्या करती है, सॉफ्ट करती है और इजीली जो है हमारे शरीर से बाहर होता है, और कॉन्स्टिपेशन जो कब्जी की जो समस्या है वो सही होती है इस दवाई की वजह से। अब देखिए ये दवाई काम किस तरीके से करती है, क्योंकि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई काम किस तरीके से करेगी। तो डॉक्टर ने समझाता है कि देखिए ये जो दवाई होती है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल 3350 ये एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होती हैं, जो क्या करती हैं हमारे पेट में पानी के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, और ये जो पानी होता है वो स्टूल के साथ में रह जाता है, और स्टूल जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है इससे, और इजीली पास होने लग जाता है हमारे शरीर से या बच्चों के शरीर से। और जो बाउल मूवमेंट होता है, जो बच्चा पेट साफ नहीं कर पाता उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसे भी ये जो है दवाई बढ़ाती है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये दवाई जो है काम करती है और कब्जी में बच्चों के स्पेशली आराम देती है। देखिए इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया है, क्रैम्पिंग हो सकती है, गैसेस बन सकती हैं पेट में, मूवमेंट जो है वो बढ़ सकते हैं पेट के, और कई बार अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल हो गया है तो ब्लड भी कई बार देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं होता कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं हर पेशेंट में देखने को मिले, किसी किसी पेशेंट में ही ये जो साइड इफेक्ट्स हैं देखने को मिलते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने आज समझा माउंट प्लस पाउडर के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, लेकिन देखिए सिफ्ला भी बनाती है इसे, सिफ्ला भी एक कंपनी है, वो अलग नाम से बनाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मार्केट में अलग अलग कंपनी से दवाई आती है, लेकिन कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजिशन सब में सेम है, तो इसका मतलब एक्शन जो है इस दवा का जो है सेम देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।